नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लिक हिमाचल में। आज आपको दोस्तों एक ऐसे देवता के दर्शन करवाते हैं जो हिमाचल प्रदेश जिला मंडी दरंग घाटी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है श्री देव अजयपाल जी। तो दोस्तों, इन देवता की एक ऐसी ऐतिहासिक हिस्ट्री है जो सभी देवी देवताओं से अलग है। तो आपको बात करवाते हैं अभी गुरु जी के साथ, जो देवता के साथ आए हुए श्रद्धालुगण हैं, वो इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको। मंडी जनपद के दरंगशिरा के आराध्य देवताओं में अधिष्ठाता देवता श्री देव अजयपाल का मंदिर दरंग क्षेत्र के काशला नामक गांव में स्थित है। काशला गांव में जो है देवता की मान्यताओं के अनुसार जो है अपने 60 परिवारों सहित जो है अपने मूल मंदिर में निवास करते हैं। देवता का जो है पांडवकालीन आकृति में बना हुआ मंदिर, और मंदिर में 6 से 7 फुट की जो है भगवान विष्णु नारायण की जो है प्रतिमा है। मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार देव अजयपाल जो है एक प्रसिद्ध जो है ज्योतिष और पंडित थे। उन वो जो है अपने साथ जो है 60 परिवार जो है इकट्ठा एक साथ रहते थे, लेकिन परिवार के किसी जो है किसी कारणवश या भूलवश जो है क्रोध में आकर देवता ने अपने परिवार को जो है आग में जलाकर भस्म कर दिया, और जिसके साक्ष्य जो है आज भी देव अजयपाल के मंदिर में मिलते हैं। देव अजयपाल के मंदिर में एक सुंदर और रमणीय वन परिक्षेत्र है, जिस परिक्षेत्र में जो है किसी भी प्रकार के लोहो लगाना या किस तरह से काटना वृक्षों को काटना जो है सख्त मनाही है। देवता की ग्रामीण विशेषता इस प्रकार से है कि देवता के ग्राम स्थान में जो है किसी भी प्रकार के बाहरी देवता का आना निषिद्ध माना गया है। आज तक भी कोई भी देवता जो है देवता के गाँव में नहीं आ पाया है। और बात रही मंडी जनपद की और मंडी रियासत की, तो देव अजयपाल का जो है मंडी शासन का राजाओं के शासनकाल से ही एक अहम भूमिका जो है राज दरबार में रही हुई है। उदाहरण के लिए एक बार जब राजा ने जो है देव अजयपाल की परीक्षा लेनी चाहिए, तो देवता ने अपने शक्ति प्रदर्शन में जो है 2.5 पौड़ी राज दरबार की लांग के जो है राजा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करवाया, जिससे कि राजा जो है बहुत ही प्रभावित हुआ और हर वर्ष जो है देवता को जो है शिवरात्रि के लिए अपने करहान भेजे राजाओं के की शिवरात्रि में बुलाने के लिए। लेकिन समय के साथ जब जो है राज दरबार बंद हुआ, प्रदेश में सरकारें आई, तदनुसार जो है देवता ने जो है मेले में आना शिवरात्रि में आना बंद कर दिया। और विशेषता ये रही कि कोरोना महामारी काल के समय जो है इस संकट विष्णु महामारी के समय के उपरांत जो है देवता ने इस बार जो है आग्रह लोगों के और प्रशासन देव समिति के आग्रह पर जो देवता ने भी स्वीकृति जाहिर की कि मैं इस बार जो है मंडी महाशिवरात्रि में जाएंगे, और इसी के कारणवश हम जो अब की बार जो है 55 साल के बाद जो है मंडी शिवरात्रि में शिरकत की हुई हमने। देव अजयपाल के अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण, जैसे कि देवता एक प्रसिद्ध ज्योतिष है, जिस व्यक्ति की या किसी भी एक वर या वधु के जो है शादी विवाह बाधा है, ग्रह बाधा है, तो उस विवाह बाधा को जो है दूर करने में देव अजयपाल जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि शादी में देवता जो है पूरे शादी में स्वयं बैठेगा, स्वयं अधिष्ठाता बनकर जो है ब्राह्मण के रूप में जो है शादी करवाते हैं। देव अजयपाल के पुजारी खानदान को लेकर हम बताएंगे कुछ कि देव अजयपाल का जो खानदान पुजारी है वो हमारा खुर्श है। खुर्श यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसी के जो है आगे को जो है जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही देवता की पूजा करेगा। इसके अलावा कोई अन्य जो है जैसे कि टोली होती है अन्य देवताओं की, टोली में से कोई भी कर देते हैं, लेकिन देव अजयपाल की टोली से कोई पूजा नहीं कर सकता। एक खुर्श में से जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका ज्येष्ठ पुत्र आगे को जो है वही पूजा कर सकता है। और विशेषता ये कि वो जो है उसको विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि उसमें प्रमुखता है कि वो कभी भी हल नहीं चलाएगा। देव अजयपाल का जो पुजारी है वो कभी जो है हल नहीं चलाएगा। तो मान्यताओं के अनुसार जो लोगों की जो है आसपास के कम से कम दर्जनों गांव ऐसे हैं जिसमें देव अजयपाल जो है अधिष्ठाता है, कुल देवता है, और देवता जो है अपने पूरे जो है गाँव की अपने हार पंक्ति की जो है कोरोना महामारी से भी रक्षा कर रहे हैं देवता। आज तक हमारे जो है इलाके में जो है किसी प्रकार की कोई अनहोनी देखने को नहीं आई, देव अजयपाल का बहुत बड़ी कृपा रही हमारा। आदि ब्रह्मा भी हमारे उत्तरसाल से हैं। आज जो है भव्य मिलन हुआ आदि ब्रह्मा के साथ, और खमराधा मार्कंडेय ऋषि जो आज 57 वर्षों के बाद आए हुए हैं उनके साथ भी सुबह जो है कम से कम 15-20 मिनट जो है देवता का भव्य जो है मिलन हुआ, जिसके जो है सैकड़ों लोग जो है आज जो है साक्षी बने। आप देखिए बारे दोस्तों, रथ को देखिए, सभी देवी देवताओं से अलग रथ है, सभी देवी देवताओं से अलग ही वेशभूषा है। आप देख रहे हैं इधर अजयपाल जी के जो कारदार है, उन्होंने जो भी आपको जानकारी दी है उसके अनुसार आपने देखा ही होगा दोस्तों, सभी देवी देवताओं से अलग ही इनके बारे में आपको सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है।
हमारे बुजुर्गों के अनुसार, जैसे बुजुर्ग कहते थे कि जब देवाजयपाल ने जो है राजा को परीक्षा अपनी परीक्षा बताई, तो राजा ने जो है नौवां स्थान जो देवाजयपाल को शिवरात्रि में प्रदान किया था। बड़े नाम, बड़े, बड़े हाँ, और जो है जो देवाजयपाल जो है बड़ा देव के नाम से जो है अपने जो है प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए कि बड़ा देव अजयपाल के नाम से जाना जाता है देवता को। पूर्व समय में जो है राजाओं के द्वारा प्रदत्त स्थान जो मुकुंद बोटी थे, भूट बोटी हैं पुरानी मंडी, उनके घर में राजा ने स्थान दिया था, ब्राह्मण के घर में। लेकिन समयानुसार जो है अब हम जो है आजकल जो है चंद्रलोक की गली में रह रहे हैं, वहाँ पर जो है अपने गांव से एक ही घर बनाया हुआ है, तो वहीं पर रह रहे हैं और वहीं से आ रहे हैं डेली। तो दोस्तों, अगर आपको भी देवता के दर्शन करने हो तो आप भी आ सकते हैं। माँ शिवरात्रि पर्व में देवता आते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। बाकी जो कारदार ने आपको बताया है कि मूल स्थान है, वहाँ पर जाके भी आप देवता के दर्शन कर सकते हैं, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी परेशानी आप देवता के साथ बात करके सब कुछ हल निकाल सकते हैं। वर्तमान समय में जो है देवाजयपाल जी का एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि जो है पुराने मंदिर को जो है हमने कर दिया हुआ है, डिसमेंटल किया हुआ है, और नए मंदिर से जो है नए तरीके से नए कारीगरी के साथ जो है नए देवता का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली जानकारी में नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ध्यान। जय हिमाचल, जय हिंद, वंदे मातरम।